भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान के बाद अब रवीश कुमार, नविका कुमार के साथ साथ अक्षय कुमार को बुरी तरह लताड़ दिया। जी हां, रवीश कुमार ने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, राष्ट्र संकट में है और संकट की इस घड़ी में मैं आपको घड़ी घड़ी याद कर रहा हूं। गोदी मीडिया के एक कुमार के कार्यक्रम के कारण भारत की साख को धब्बा पहुंचा है। इनके शो में कुछ ऐसी बातें कही गई कि कुवैत और कतार में लोग नाराज हो गए हैं, वहां की सरकार नाराज हो गई है, वहां के लोग भारतीय सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। भारतीय राजदूतों को बुलाकर पूछा पाची होने की खबरें पढ़कर मैं केवल आपको याद कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप 3 साल बाद किसी फिल्म में इसे घटना का बदला जरूर लेंगे, लेकिन आपकी जरूरत इस वक्त है, अभी है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कतर और कुवैत की आबादी से भी कई दुनाए इसके सदस्य होंगे, फिर भी बीजेपी इन देशों की नाराजगी से डर गई, अपने 2 प्रवक्ता को निकाल दिया जो इन दिनों मुगलों के दौर का हिसाब बराबर करने में लगे थे। पूरी लड़ाई कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। पिछले कई दिनों से इतिहास में मुगलों की करनी का बदला लेने के लिए प्रवक्ताओं के घोड़े छोड़ दिए गए थे, कथित धर्म गुरुओं को खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन अरबी घोड़ों को देखते ही भाजपा ने प्रवक्ताओं को निकाल दिया। बताइए, ऐसा कहीं होता है? ये तो समर्थकों की भावना का अपमान है। आखिर जो देश ऐप डिलीट कर और फुलझड़ियों के बहिष्कार से चीन को डरा सकता है, वो देश अपने सामानों के बहिष्कार के डर से कतर और कुवैत से कैसे डरता है? डू यू गेट माई पॉइंट? तो देखा आपने किस तरीके से रवीश कुमार ने अक्षय कुमार को बुरी तरह लताड़ा और एक धमकी भरा पोस्ट भी डाल दिया। अब क्या है इस खबर पर आपकी राय, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।